ये टीम से अपने बड़ी तवक्को है कि जी अगर हमारी टीम सही सिलेक्ट हुई, सारी चीज़ें सही हुई, तो मेरे ख्याल में हमारी टीम को बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। गलतियाँ बड़ी टीमें वही बनती हैं, बड़े प्लेयर वही बनते हैं, जीतने के बाद भी गलती आइडेंटिफाई करते हैं, उस पर काम करते हैं। तो डेफिनेटली मैनेजमेंट ने देखा होगा और अगले टेस्ट मैच में और अच्छा आएंगे और पॉजिटिव आएंगे, जो गलतियाँ की हैं पहले टेस्ट मैच में वो रिपीट ना हो। जो भी चीज़ अच्छी हो, बोर्ड कोई भी हो, लेकिन जो अगर पॉलिसी अच्छी है जिससे क्रिकेट को फ़ायदा हो रहा है या प्लेयर्स को फ़ायदा हो रहा है या प्लेयर्स डेवलप हो रहे हैं जिस चीज़ से, तो उसको कंटिन्यू होना चाहिए। ठीक है कि अगर जूनियर लीग से हमारे पास प्लेयर आए थे, प्लेयर्स में शौक पैदा हुआ था और एक निचला तबका में भी शौक पैदा हुआ था कि जिस तरह आज सारे बच्चों की ख्वाहिश है कि जी हम PSL खेल लें, वहाँ फिर अंडर 19 खेलने का शौक पैदा हुआ था। जो अच्छी चीज़ है उसको कंटिन्यू होना चाहिए। PCB को भी नज़र आता है, PCB भी अपना काम करता है, लेकिन जो फैसिलिटेट हम नहीं कर सक रहे ना, हमारे पास वाली अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है कि इतने ग्राउंड्स नहीं है जितने होने चाहिए। जितना बड़ा ये अगर ये कराची शहर की अगर बात की जाए, जितने यहाँ बच्चों को खेलने का शौक़ है उतने हमारे पास ग्राउंड्स नहीं है। तो इस हिसाब से मैं कह रहा था, और PCB दूसरा अपना काम ज़रूर करता है कि जी वो करता है, लेकिन फ्रेंचाइज़ की भी एक जिम्मेदारी है जो वो बड़े अच्छे तरीके से निभा रहे हैं कि जी ट्रायल्स ले रहे हैं जगह जगह। हर एक बंदे की ना अपनी एक इनपुट होती है, तो वो करता रहता है तो टीम बेहतर होती रहती है। और मैं ये कहूँगा कि जी पिछले 8 से 10 साल में जो फ्रेंचाइज़ ने काम किया है, जितना फ़ायदा फ्रेंचाइज से हुआ है, मेरे ख्याल में इतना फ़ायदा कभी भी क्रिकेट को नहीं हुआ किसी चीज़ से।